हमको खिलाई हमको मंगा रहा है हमको खिलाई हमको मंगा रहा है बटाटा पूरी का स्वाद चखा, काफ़ी चटपटा स्वादिष्ट लगा और मैंने अपनी तरफ से उन्हें दीपावली का गिफ्ट भी दिया, एक सोन पापड़ी का डब्बा और एक मिठाई का डब्बा गिफ्ट उन्हें अपनी तरफ से दिया। हम कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं कि थोड़ा सा खुशियां ज़रूर बांट सकते। बटाटा पूरी का स्वाद चखा, काफ़ी चटपटा स्वादिष्ट लगा और मैंने अपनी तरफ से उन्हें दीपावली का गिफ्ट भी दिया, एक सोन पापड़ी का डब्बा और एक मिठाई का डब्बा गिफ्ट उन्हें अपनी तरफ से दिया। हम कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं कि थोड़ा सा खुशियां ज़रूर बांट सकते। अभी समय मिलने के उपरांत सेविंग कराने जा रहे हैं। रेडी होकर इंस्टीट्यूट जा रहे हैं और दीपावली का आज छुट्टी भी होगा, दीपावली से छठ तक छुट्टी रहेगा। स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से मैं
खुशियां बांटने का एक कोशिश है कि बच्चे खुश रहें और अपने कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के बल पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहें। अभी 4 से 5 मिनट के अंदर इंस्टीट्यूट हम लोग पहुंच जाएंगे। x के पावर n प्लस x के पावर माइनस n, ये दोनों का इंटीग्रल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 cos n थीटा। ये कैसे आया भाई, इक्वेशन 1 प्लस 2 इधर करेंगे जी, इक्वेशन 1 प्लस 2 कॉमन कर लिए, अब 1 माइनस 2 कीजिएगा कितना आएगा, x के पावर n माइनस x के पावर माइनस n, इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा कितना की sin n थीटा। ये कैसे आया जी, इक्वेशन 1 माइनस 2, इसमें दिक्कत नहीं रही। अब ध्यान दीजिए, अब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x के पावर x प्लस x के पावर माइनस 1, 2 पुट करेंगे तो मतलब एक रिजल्ट मिलेगा, टेस्ट टाइप का रिजल्ट मिलेगा, और उसी का हम यूज करेंगे, बस यही करना है, कुछ भी आप पुट कर दीजिए। जैसे x बराबर में n बराबर में क्या पुट किया, thank you।
बाद फिर से वो उसी ऊर्जा के साथ पढ़ने के लिए आएंगे और शिक्षक भी उसी ऊर्जा के साथ फिर दिन रात मेहनत करेंगे। इन लोगों के जीवन में हमेशा खुशियाँ रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। माता सरस्वती इन्हें काफ़ी ज्ञान दे और माता लक्ष्मी इन्हें भविष्य में इन्हें काफ़ी धन, जो इस चाहते हैं कि अपने जीवन में प्रगति को चाहते हैं तो कम से कम जीवन में प्रगति के लिए आर्थिक रूप से भी मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है। और अभी जस्ट दशहरा पूजा भी खत्म हुआ है तो माँ दुर्गा इन्हें ऐसी शक्तियाँ दें, क्योंकि जीवन में सफलताएँ जब आपको मिलती है तो बीच रास्ते में ऐसे ऐसे कई बार अवरोधक भी आते हैं, तो उससे भी लड़ने की क्षमता मिले। और जिस परिवेश से ये बच्चे हैं उनके लिए चार लाइन मैं बोल रहा हूँ, मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लोग लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। गौरव यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते। ये हो सकता है ना, ये कहीं भी मैं दे सकता हूं।